क्या बोलती पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो भाई लोग, आज के वीडियो में ना मैं रिएक्शन देने वाला हूँ कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 के एक नए सॉन्ग के ऊपर, जिसका नाम है ओ यारा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने पाकिस्तान के जो कोक स्टूडियो का सीजन 15 है उसके बहुत सारे गाने पे अपना रिएक्शन दिया है, और जितने पे भी दिया है सब मेरे को पसंद आया। और मेरे को लगता है कोक स्टूडियो पाकिस्तान से ना बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आते हैं, और जैसे उनका टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, साउंड ऑफ द नेशन, तो वो अलग अलग जगह से अपने कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से गाना लेके आ रहे और उसको रिलीज़ कर रहे हैं इसके ऊपर जो कोक स्टूडियो का जो चैनल है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देख रही है, वर्ल्ड में जा रहा है और वर्ल्ड में अलग अलग जगह की पब्लिक देख रही है और वो पसंद भी कर रही है। जैसे मैं इंडिया से हूँ, मेरे को भी बहुत पसंद आ रहा है। अब ये जो गाना है ओ यारा, देख लेते उसको गाया किसने है, लिखा किसने है, और वो सब म्यूज़िक डायरेक्टर का, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इसको गाया है अब्दुल हनन और कविश ने, और जो काविश या कविश जो भी है उनका नाम है जफर जैदी, और रिटन बाय अब्दुल हनन और जफर जैदी, जो कविश है या काविश है, और इनको कंपोज किया है अब्दुल हनन और वही जफर जैदी ने, तो सब में इनका ही दोनों का हाथ है ज़्यादातर टाइम। तो अब इस गाने को मैं सुनता हूँ ओ यारा को, और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देता हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये वीडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, कोक स्टूडियो सीजन 15। ओहो आंटी जी, ओ यारा, कविश अब्दुल हनन। क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं, क्या वॉइस है, राख सारे सफे पर लिख रहा हूं, आहा, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना सांस लेना सजा, ओ, मस्त गाना अभी से लग रहा है मेरे को, मुंह दिल को टच कर देने वाला लग रहा है। ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में, अब कैसे समझाऊं, है ये उलझे दानों सा करे जमीन पर चलना चाहूं पर छाया है हर कदम, ये दुआ सांस लेना सजा, वो बहुत ही स्मूथ गाना है, एकदम आराम से चल रहा है, फिलोसॉफिकल टाइप गाना लग रहा है मेरे को।
से जो मिल पाएगा, ओ यारा दिल से जो सुन पाएगा, न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा, ओ यारा फिर तू संभल जाए। फोक स्टूडियो। तो पब्लिक, ये जो गाना था ना, ओ यारा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो स्मूथ था, म्यूज़िक बहुत अच्छी थी, दोनों सिंगर ने बहुत ही बेहतरीन गाया है। और मैंने जैसे बोला भी रिएक्शन में भी, जब वीडियो देख रहा तभी भी मैंने बोला कि मेरे को एक फिलोसॉफिकल गाना लगा। सर लगा यार, अगर आप उसको सुनोगे एकदम आराम से शांति से तो आपको ये गाना और भी अच्छा लगेगा। लिरिक्स बहुत अच्छे थे और जो सेट था ना वो पहले वाला ही सेट था जो इससे पहले भी अपना लगता है कोक स्टूडियो ने यूज़ किया, कुछ अलग नहीं था, वही सेट था। लेकिन मेरे को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा और सिंगर भी अच्छे लगे, गाना भी अच्छा लगा। सेट तो हमेशा से अच्छा था ही, अभी भी अच्छा लगा मेरे को। लेकिन हो सकता है कि अब नेक्स्ट गाने में थोड़ा सेट वेट चेंज करके यूज़ करना चाहिए, वो सेम सेट को बार बार यूज़ कर रहे तो अच्छा सब गाने एक ही जैसे लगेंगे। हाँ सुनेंगे तो अलग है, लेकिन अगर देखोगे तो ऐसा थोड़ा फील होगा यार वही यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इनको थोड़ा सेट बदलना चाहिए। ओवरऑल गाना बहुत अच्छा था, बहुत ही स्मूथ था, एकदम फिलोसॉफिकल टाइप था और मेरे को बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरा रिएक्शन वाला वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।